हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुहिन। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा एक क्रेटा गाड़ी का कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है। मेरे पास एक क्रेटा गाड़ी आज आया है, एसी काम नहीं कर रहा है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कंप्रेसर का जो ये वाला बोल्ट है, ये नहीं घूम रहा है। ये देखिए, मैं हाथ दे दिया, नहीं घूम रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर को ये क्या हुआ है, ये गाड़ी का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो अंदर का बोल्ट है, इसको कहते हैं मेन शाफ्ट कंप्रेसर का, वो टूट गया। आप देख सकते हो मैं कंप्रेसर को खोल लिया और बाहर भी निकल रहे है। आप देखते हैं कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर को का जो ये मेन पुली है, ये मेन पुली घुमाने से ये वाला जो नाट है, ये नहीं घूम रहा है। और मैं एक नया कंप्रेसर भी यहाँ पे लेके आया, वो कंप्रेसर देखने से आपको पता चल जाएगा कि इस कंप्रेसर में क्या खराबी हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नया कंप्रेसर में लेके चला आया, और ये वाला पुली अगर घुमाए तो आप देख सकते हैं ये जो नाट है, ये घूम रहा है पुली के साथ। तो इस कंप्रेसर का ये जो मेन शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट टूट गया, इसके कारण ये कंप्रेसर का जो अंदर ये पिस्टन वगैरह है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसी कूलिंग भी नहीं हो रहा था। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।